सजनवा थाने की पुलिस ने तानिया किन्नर के ऊपर फायर करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान रणविजय यादव पुत्र राम प्यारे यादव निवासी सुरदही थाना सजनवा गोरखपुर, दूसरा दुर्गेश मधेशिया पुत्र स्वर्गीय हरिकेश गुप्ता निवासी केशवपुर थाना सजनवा गोरखपुर, तीसरा रवि यादव पुत्र जग नारायण यादव निवासी बड़ी सुरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद संत कबीर नगर के रूप में हुई है, जिनके पास से 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 19 मार्च को तानिया किन्नर पुत्री ओम प्रकाश किन्नर निवासी भीमपार थाना सजनवा जनपद गोरखपुर को बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से गोली मार दिया गया था। घटना में सम्मिलित नामजद तथा प्रकाश में आए अज्ञात अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी से ज्ञात हुआ है कि अभियुक्तगण रामकरण भारती उर्फ प्रिया किन्नर तथा तानिया किन्नर के बीच क्षेत्र बंटवारे को लेकर 6 माह पूर्व काफी विवाद हुआ था। उस विवाद में तानिया किन्नर प्रिया किन्नर का कुछ क्षेत्र अपने हिस्से में ले लिया था। इसी बात से प्रिया किन्नर तानिया किन्नर से नाराज थी। तब तानिया किन्नर को रास्ते से हटाने के लिए प्रिया किन्नर ने अपने गुरु किरण किन्नर से अनुमति लेकर अपने पुरुष मित्र रणविजय यादव और तानिया किन्नर के पूर्व ड्राइवर दुर्गेश मधेशिया, जिसे फरवरी माह में तानिया ने अपनी ड्राइवरी से निकाल दिया था, तथा दुर्गेश मधेशिया के पुराने मित्र रवि यादव पुत्र जग नारायण यादव, जो दुर्गेश से ट्रेन में चना बेचते समय करीब 6 वर्ष पहले मिला था, वो अतुल दुबे रणविजय का मित्र संगम सोनू से मिलकर घटना को अंजाम दिए। घटना के वक्त दुर्गेश मधेशिया मोटरसाइकिल पल्सर चला रहा था तथा रणविजय यादव पल्सर पर पीछे बैठा था। रणविजय ने ही तानिया किन्नर को जान से मारने के इरादे से पीछे से गोली मार दिया था तथा मोटरसाइकिल पर अतुल दुबे तथा संगम नामक युवक सवार थे व सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सोनू व रवि यादव सवार थे, जो घटना के समय शामिल थे, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम सजनवा थाना प्रभारी महेंद्र कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह, सत्यदेव कांस्टेबल अरविंद कुमार, शैलेश यादव, नवीन चंद शुक्ला, उदय प्रताप, अर्जुन गुप्ता शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना सजनवा में 19 तारीख को तानिया किन्नर नामक एक व्यक्ति को उसके ऊपर फायर किया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। तत्काल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें उसका इलाज हुआ। अभी उनकी हालत स्थिर है। इस घटना में उनके द्वारा धारा 307 का मुकदमा थाना सजनवा पर पंजीकृत कराया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए SP नॉर्थ साहब के निर्देशन में एक टीम लगाई गई थी। आज इस घटना से संबंधित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना बेसिकली एरिया के बंटवारे को लेकर के 2 किन्नरों के बीच के विवाद के कारण उत्पन्न हुई थी, जिसमें दूसरा पक्ष जो है वो प्रिया किन्नर है। इनका एरिया को लेकर के विवाद था, जिसके कारण ये षड्यंत्र रचा गया, जिसमें प्रिया किन्नर द्वारा अपने 3 सहयोगी रणविजय, दुर्गेश और रवि यादव, जिसमें से दुर्गेश पूर्व में जो पीड़िता है उसका ही ड्राइवर रहा है, इनके द्वारा ये घटना रची गई। इसमें पैसे का भी आदान प्रदान हुआ। इनके द्वारा इसकी लोकेशन कई दिनों से ली जा रही थी, उसकी रेखी की जा रही थी। जिस दिन घटना हुई उससे पहले भी इनके द्वारा सटीक लोकेशन लेकर के इसको घेर करके इसके ऊपर मारने की नीयत से फायर किया गया, जो कि गोली इनके कंधे में लगी पीछे की साइड से। इस घटना में जो है वो रणविजय, दुर्गेश और रवि यादव को अरेस्ट किया गया है। इस घटना में 2 अन्य अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जो कि एक बैकअप टीम के रूप में एक अन्य मोटरसाइकिल पर चल रहे थे, ताकि अगर इनसे ये घटना मिस होती तो उनके द्वारा ये घटना की जाती। उनके लिए भी लगातार टीमें लगी हुई हैं। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और घटना में इनके द्वारा जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अवैध असला है उसको भी बरामद कर लिया गया है।